अध्याय चार क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। अभी हम लोग इस पाठ का अभ्यास कर रहे हैं, तो चलिए बच्चों अभी हम लोग आगे बढ़ते। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था विश्व, जिससे वैश्य शब्द निकला है। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश्य, भरत जन या विश्य, यदुजन या विश्य जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की जो रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहां क्या हो रहा था। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। अभी दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं भी बोलते थे। बाद के समय में दास यानी स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। अभी दास वे स्त्री और पुरुष होते हैं जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था और उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। अभी जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। अभी आगे बढ़ते हैं। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। ये शिलाखंड महापाषाण यानी महा यानी कि बड़ा, पाषाण यानी पत्थर, यानी बड़ा पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी और यह प्रथा दक्कन, उसके बाद दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। अभी हम लोग यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं कि इस तरह के महापाषाण को ताबूत यानी शवाधान यानी सिस्ट कहा जाता था। और यहाँ दिखाए गए सिस्ट में के एक पोर्ट होल यानी एक बड़ा सुराग है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। अभी हम लोग देखते हैं। कई बार पुरातत्व विदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है। अभी ये ही जो हमें मिलता था उन लोगों को, जो पुरातत्व विदियों को, तो यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की जो सूची बनाई है उन्हें आप लोग क्रमबद्ध करो, जैसे गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। क्या है वो समानताएं? सामान्यतः मृतकों को एक खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले और लाल मिट्टी के बर्तन यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है, और इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में से एक से अधिक कंकाल मिले हैं और वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। अभी बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था और ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे और जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह
2700 साल पहले लोग रहते थे और वहां वयस्क लोगों को भी प्राय गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को पांच कमरों वाले मकान के आंगन में चार पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था और बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था और इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और शव के पैर मुड़े हुए थे। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। अभी इनाम गांव में पुरातत्व विदों को गेहूं यानी के जो भी धान मिला था वो है गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, उसके बाद केंकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरिया एकत्र की जाती थी। हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत आपको इनाम गांव के लोगों के काम धंधे के बारे में लिखिए। यह है आपका प्रश्न और इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आप अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखिए। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।